I think last time we have discussed about pavement material bitumen. Okay, we have two more pavement materials, that is your aggregate as well as your pavement materials. Bitumen we have covered, we have aggregate and your subgrade. Okay, so in this particular lecture we'll be focusing on these two pavement materials. First of all, let's start with our subgrade. Okay, subgrade simply means the soil on which you are constructing your pavement. So most of the things जो भी soil के बारे में तुमको पढ़ना होगा वो तुम soil mechanics में पढ़ चुके होगे, ठीक है. Specific to transportation, जो दो चीज़ें तुमको यहाँ पढ़नी है, पहला होता है तुम्हारा plate load test, ठीक है, plate load test, और दूसरा तुम्हारा होता है CBR test, California bearing ratio test, ठीक है. ये दो टेस्ट ऐसे हैं जो तुम soil mechanics में नहीं पढ़ोगे, तो वो ये ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिफिक टेस्ट हैं. तो इन दोनों टेस्ट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी सॉइल की उनको हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है. तो एक एक करके हम स्टार्ट कर लेते हैं. पहले हमारा है प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट. प्लेट लोड टेस्ट सबसे पहले तो क्यों किया जाता है? प्लेट लोड टेस्ट किया जाता है ताकि हम सपोर्टिंग केपेबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल कितने लोड को सपोर्ट कर सकता है ये देखने के लिए हम प्लेट लोड टेस्ट करते हैं. दूसरा पर्पस जो इसका होता है वो होता है इवैल्यूएशन ऑफ के, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ के. के का मतलब होता है तुम्हारा सबग्रेड मॉडुलस, ठीक है, सबग्रेड मॉडुलस. सबग्रेड मॉडुलस बेसिकली क्या होता है? सबग्रेड मॉडुलस इज डिफाइंड एज द प्रेशर पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक है, पी अपॉन डेल्टा, जस्ट लाइक योर स्टिफनेस. उसमें भी जो हम डेल्टा की वैल्यू लेके चलते हैं दैट इज 0.125 सेंटीमीटर, ठीक है. तो इसकी जो ओवरऑल यूनिट आ जाएगी वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. दिस इज कॉल्ड एज योर मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन. मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का ये यूज़ है कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे हम डिज़ाइन ऑफ पेमेंट, ठीक है. जब हम आगे जाके पेमेंट डिज़ाइन करेंगे तब हमें के का यूज़ करना पड़ेगा, तो वो के हम प्लेट लोड टेस्ट से निकाल के लाते हैं, ठीक है. प्लेट लोड टेस्ट जो है वो या तो फील्ड में कर सकते हो, ठीक है, इट इज़ मोस्टली अ फील्ड टेस्ट, ठीक है. पहले तो समझ लो कि टेस्ट में किया क्या जाता है, ठीक है. टेस्ट में क्या होता है, तुम्हारे पास सबसे पहले मान लो इस लेवल पे तुमको टेस्ट करना है ये कितनी स्ट्रेंथ है तुम्हारी सॉइल की या कितना सबग्रेड मॉडुलस है. तो पहले क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेट रखी जाती है, ठीक है, एक प्लेट रखी जाती है. यूजुअली इट इज़ अ सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट जिसका डाया या तो 30 सेंटीमीटर होता है या तो 75 सेंटीमीटर होता है, ठीक है. स्टैंडर्ड कई बार पूछा जाता है स्टैंडर्ड कौन सा होता है प्लेट, तो जो 75 सेंटीमीटर वाली प्लेट होती है उसको हम लोग स्टैंडर्ड प्लेट बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड प्लेट बोलते हैं, ठीक है. इसके ऊपर फर्दर एक सीरीज ऑफ इस तरीके से प्लेट्स होती हैं और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास एक हाइड्रोलिक जैक होता है, इस टाइप का एक हाइड्रोलिक जैक होता है और हाइड्रोलिक जैक के ऊपर, ठीक है, हाइड्रोलिक जैक के ऊपर तुम्हारे पास काफ़ी सारा यहाँ पे लोड होता है. तुमने कई बार शायद देखा भी होता होगा कहीं ना कहीं फील्ड टेस्ट में बहुत सारी बोरियाँ रखी होती हैं एक के ऊपर एक, ठीक है. वहाँ पर बेसिकली प्लेट लोड टेस्ट ही किया जा रहा होता है, ठीक है. तो यहाँ पर बहुत सारा इसके ऊपर लोड रखा होता है और ये लोड इस हाइड्रोलिक जैक के थ्रू इस प्लेट पर लगाया जाता है और ये प्लेट फाइनली तुम्हारी सॉइल पर स्ट्रेस लगाती है, ठीक है, ठीक है. उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, डायल गेज लगा होगा, ठीक है. यहाँ पे तुम्हारे पास डायल गेज होगा जो इसकी सेटलमेंट को मेजर कर रहा होगा, ठीक है, टू मेजर सेटलमेंट, ठीक है. इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है तुम्हारे पास, ठीक है. एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है. सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, ये तुम्हारे पास सर्कुलर प्लेट होगी सबसे नीचे, ठीक है. सर्कुलर प्लेट मोस्टली तुम्हारे पास होगी 30 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर की. 75 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड होता है, कुछ केसेस में हम 30 सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं. वो कब करेंगे मैं तुम्हें बताऊंगा कब हमें 30 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से, ठीक है, ये लोड जो भी होगा इसके ऊपर वो लोड हम इस प्लेट पर ट्रांसफ़र करते हैं और प्लेट तुम्हारा सॉइल पर ट्रांसफ़र करती है, ठीक है. अब जैसे जैसे तुम लोड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी सॉइल सेटल होती जाएगी, तो कॉन्स्टेंटली तुम क्या करोगे, डायल गेज की हेल्प से सेटलमेंट को मेज़र करते रहोगे, ठीक है.
अब इसी में हम बात कर लेते हैं लोडिंग की, लोडिंग किस तरीके से इस पर लगाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सीटिंग लोड लगाते हैं। सीटिंग लोड ठीक है अप्लाई किया जाता है ऑफ 0.07 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तुम कहोगे सीटिंग लोड क्या होता है, सीटिंग लोड मतलब होता है बेसिकली प्लेट को सही तरीके से बिठाना रहता है हमको यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपरली वो तुम्हारे सॉइल के सरफेस से कॉन्टैक्ट में आ जाए, इसलिए इनिशियली तुमको थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसको सही से प्लेट को बिठाना पड़ेगा। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज योर सीटिंग लोड। ठीक है, एक बार तुम्हारा सीटिंग लोड लग जाता है उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली इंक्रीमेंट करते रहते हैं लोड। ठीक है, लोड इज अप्लाइड ठीक है इन इंक्रीमेंट्स, इन इंक्रीमेंट्स ठीक है टू कॉज ठीक है सेटलमेंट ऑफ, सेटलमेंट ऑफ 0.25 mm और व्हेन रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट ऑफ सेटलमेंट इज लेस देन ठीक है 0.025 mm पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो तुमने क्या किया, पहले अपनी प्लेट रखी, प्लेट के ऊपर तुमने 0.07 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इनिशियल लोड लगा दिया ताकि प्लेट सही से तुम्हारी सेट हो जाए वहाँ पे। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, धीरे धीरे लोड लगाना चालू करोगे, लोड को बढ़ाना चालू करोगे। ठीक है, सबसे पहला लोड तुम इस तरीके से लगाओगे कि तुम्हारी प्लेट कितना सेटल हो जाए, 0.25 mm, सॉरी 0.25 मीटर लिख दिया मैंने यहाँ, 0.25 mm के बराबर सेटल हो जाए। ठीक है, या फिर रेट ऑफ सेटलमेंट तुम्हारा इससे कम हो जाए। अच्छा, ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है रेट ऑफ सेटलमेंट, ये तुम्हारा यूज़ आएगा मोस्टली जब तुम्हारी क्लेई सॉइल होगी। ठीक है, क्योंकि क्लेई सॉइल में क्या होता है, बहुत देर तक तुम्हारा कंसोलिडेशन होता रहता है, वो बहुत देर तक सेटल होती रहती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि कभी 0.025 mm रीच कर गई, उसका रेट ऑफ कंसोलिडेशन या रेट ऑफ सेटलमेंट बहुत स्लो होता है क्लेई सॉइल में। तो क्लेई सॉइल में ये सेकेंड वाले पॉइंट पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब रेट ऑफ सेटलमेंट 0.025 mm पर मिनट से स्लो हो जाएगा, तब हम मान लेंगे कि हाँ अब हमें नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगा देना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लोडिंग समझ गए, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सीटिंग लोड लगाओगे पहले, ठीक है, सीटिंग लोड लगाने के बाद क्या करोगे, इंक्रीमेंट्स में लोडिंग लगाओगे, और लोडिंग इस तरीके से लगाओगे कि वो तुम्हारा 0.25 mm सेटलमेंट कॉस कर जाए। ठीक है, फाइनली क्या होगा, तुम क्या मेजर करते रहोगे, एक तो लोड मेजर करते रहोगे। ठीक है, फाइनली जो कर्व तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास यहाँ पे जो भी तुमने लोड लगाया होगा ऊपर से वो मेज़र करते रहोगे, और यहाँ पे तुम सेटलमेंट मेज़र करते रहोगे। ठीक है, तो 0.25 के इंक्रीमेंट में तुम्हारी सेटलमेंट्स होंगी इस तरीके से, 0.751, ठीक है, इस तरीके से 0.25 के इंक्रीमेंट्स में तुम्हारी सेटलमेंट होंगी, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास लोड होगा। ठीक है, तो जो कर्व यहाँ पे आता है वो कुछ इस तरीके कहा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके कहा जाता है। ठीक है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था के, के हमारा था मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन था हमारा के, के का फॉर्मूला हमने लिखा था पी डिवाइडेड बाय डेल्टा, और डेल्टा जो इस केस में स्टैंडर्डली हम लिख लेते हैं वो है 0.125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, एमएम में कितना होगा, 1.25 mm, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1.25 mm आएगा। 1.25 mm या 0.125 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा वही तुम्हारा पी होगा। ठीक है, ये जो पी यहाँ से तुम एवेल्यूएट करोगे वही तुम्हारा ये वाला पी है, और डेल्टा तुम्हारा कितना है 0.125। इसको उठा के तुम इस फॉर्मूले में डाल दोगे तो तुमको के की वैल्यू मिल जाएगी जो हम प्लेट लोड टेस्ट से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होगे बेसिक टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं प्लेट लोड टेस्ट की। एक बार तुम प्लेट लोड टेस्ट समझ गए तो इस पे दो करेक्शंस लगाए जाते हैं, करेक्शंस। ठीक है, पहला होता है साइज ऑफ प्लेट, पहला करेक्शन लगता है साइज ऑफ प्लेट, और सेकंड करेक्शन तुम्हारा लगता है क्या, मॉइस्चर कंटेंट का। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, दो करेक्शंस हमको के की वैल्यू पे लगाने होते हैं, एक प्लेट साइज का करेक्शन और एक मॉइस्चर कंटेंट का करेक्शन। सबसे पहले हम साइज ऑफ प्लेट का करेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ तुम ध्यान रखना, मैंने तुमसे कहा था कि स्टैंडर्ड यानी जहाँ पे भी पॉसिबल होगा हम 75 सेंटीमीटर डाया वाली प्लेट को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यही हमारी स्टैंडर्ड प्लेट है। ठीक है, यही हमारी स्टैंडर्ड प्लेट है। अब तुम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि जैसे हमारे पास मान लो 75 सेंटीमीटर की एक प्लेट है। ठीक है, मैंने इस पर मान लो पी फोर्स लगाया। ठीक है,
तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पे प्रेशर आएगा, बियरिंग प्रेशर, ठीक है। कितना आएगा बियरिंग प्रेशर, पी अपॉन ए के बराबर आ जाएगा, यानी इसको लिख सकता हूँ पी बाय पाई डी स्क्वायर बाय फोर, ठीक है। अब मान लो कॉन्ट्ररी, मान लो ये वाली प्लेट 75 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब मान लो मैं दूसरी प्लेट लेता हूँ एक 30 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसका डाया कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें जो प्रेशर आएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, मान लो मैंने इस पे भी सेम फोर्स लगाया पी, तो यहाँ जो नीचे प्रेशर आएगा वो पी बाय ए होगा, यानी पी बाय पाई डी स्क्वायर बाय फोर। पर इसका डायमीटर छोटा है, तो मेरे ख्याल से ये प्रेशर ज़्यादा आएगा क्या इसके कंपेरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये डाया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डाया यहाँ पे 75 है, ये डाया यहाँ पे 30 है, यहाँ कम पुट करोगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा आएगा। तो तुम खुद ही सोच सकते हो कि हम 30 सेंटीमीटर वाली प्लेट हमें कब यूज़ करनी पड़ सकती है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर वाली प्लेट हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी 75 सेंटीमीटर वाली प्लेट सफिशेंट सेटलमेंट कॉज नहीं कर पाएगी। इज नॉट अटेंड, सफिशेंट सेटलमेंट इज नॉट अटेंड। सफिशेंट सेटलमेंट कितना होता है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ एक बात बताना भूल गया। फाइनली हमको जो आखिरी वैल्यू तक जाना होता है वो आखिरी वैल्यू होती है 1.75 mm, ठीक है। फाइनली हमको 1.75 mm तक जाना होता है, ठीक है। तो मान लो अगर 75 सेंटीमीटर वाली प्लेट से तुम इतना स्ट्रेस ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे कि तुम 1.75 mm का सेटलमेंट कॉज कर पाओ, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अगर 75 सेंटीमीटर वाली प्लेट से, क्योंकि इसमें स्ट्रेस कम प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेस कम लग रहा है तो सेटलमेंट भी कम होगा, ठीक है। तो हो सकता है तुम 1.75 तक जा ही ना पाओ। तो तुम्हारा जो कर्व हमको बनाना है पी वर्सेस, ठीक है, पी वर्सेस सेटलमेंट का जो हमें कर्व बनाना है वो 1.75 तक जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो करेक्ट नहीं होगा। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम छोटे डाया की प्लेट यूज़ करते हैं 30 सेंटीमीटर, जिसके कारण क्या होता है, ये जो प्रेशर यहाँ पे आ रहा है ये नीचे, ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। पी अपॉन ए होता है, एरिया तुम्हारा कम हो गया तो ये तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो तुम्हारा सेटलमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। सेटलमेंट बढ़ जाएगा तो तुम अब 1.75 mm सेटलमेंट कॉस करवा पाओगे, ठीक है। इसीलिए हम 30 सेंटीमीटर वाली प्लेट यूज़ करते हैं, वरना जनरली हम 75 सेंटीमीटर वाली प्लेट से ही काम चलाते हैं, ठीक है। अब तुम एक बार ये समझ गए कि हम 30 सेंटीमीटर वाली प्लेट यूज़ करेंगे, कुछ सिनारियो ऐसे बनेंगे कि हमें 30 सेंटीमीटर वाली प्लेट यूज़ करनी पड़े, तो उसको हम 75 सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके डेटा को, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डेल का, 1.18 पी ए अपॉन ई, ठीक है। पी तुम्हारा लोड होता है, ठीक है, ए तुम्हारा रेडियस होता है, और ई तुम्हारा यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये तुम्हारा एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, डेल्टा और पी को रिलेट करता है जो, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब के क्या होता है तुम्हारा, के होता है पी बाय डेल्टा। इस फॉर्मूले से तुम मुझे पी बाय डेल्टा निकाल के दे सकते हो क्या, ठीक है। पी ये डेल्टा को यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, बाकी सबको यहाँ भेज दो, तो मेरे ख्याल से ई अपॉन 1.18 ए आ जाएगा के, ठीक है। फर्दर तुम क्या करो, ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, के इज इक्वल टू ई अपॉन 1.18 ए। इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो के साथ, ठीक है, ई अपॉन 1.18 ए। इस फॉर्मूले को अगर तुम देखोगे तो इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि ई ई तो सॉइल की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ई जो हो गई तुम्हारी वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल हो गई। तो ये वाला आरएचएस में जो भी लिखा हुआ है ये टर्म कांस्टेंट हो गया क्या, ठीक है, ये टर्म कांस्टेंट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज अ कांस्टेंट, लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 75 सेंटीमीटर वाली प्लेट यूज़ कर रहा हूँ तो के इंटू 75 बराबर के 30 इंटू 30, ये लिख सकता हूँ क्या मैं, ठीक है। तो अगर मैंने 30 वाली प्लेट यूज़ करी है और मुझे 75 वाला के चाहिए, तो कितना हो जाएगा, के 75 इज इक्वल टू के 30 इंटू 30 बाय 75। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, डायरेक्टली याद रख सकते हो कि के ए इज़ बराबर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, के इंटू ए इज कॉन्स्टेंट, डायरेक्टली याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगर हमने 30 वाली प्लेट यूज़ करी है, ठीक है, तो हमें K30 मिलेगा, तो उसको हमें K75 में अगर कन्वर्ट करना है तो हमको इस टाइप का रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बात को समझ गए होगे। सेकंड करेक्शन जो हमें लगाना था, ठीक है, सेकंड करेक्शन जो हमको लगाना था वो था करेक्शन फॉर मॉइस्चर, ठीक है, करेक्शन फॉर
मॉइस्चर, करेक्शन फॉर मॉइस्चर का सिंपली मीनिंग ये है कि मान लो जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तब तो हम गर्मी में टेस्टिंग कर रहे हैं या समर सीजन में हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो पानी में, तो तुम्हारे सॉइल में क्या होगा, पानी कम होगा, मॉइस्चर कम होगा, तो वो अलग टाइप की सेटलमेंट देगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होगी उस टाइम सॉइल। पर बारिश का सीज़न आएगा तो क्या होगा, उसका मॉइस्चर बढ़ जाएगा, ठीक है, तब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी सॉइल हो वो नरम पड़ जाए और ज़्यादा सेटलमेंट दिखाए, ठीक है। तो तुमने अगर समर में टेस्टिंग करी है, ठीक है, तो तुमको अपने के की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो विंटर के वाले सीज़न के लिए भी वैलिड हो, ठीक है ना, बारिश के सीज़न के लिए भी वो वैलिड हो। मतलब वर्स्ट मॉइस्चर कंडीशन अगर तुम्हारे सॉइल में एग्जिस्ट करता है तब भी वो के की वैल्यू तुम्हारी कंजर्वेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम दो बार टेस्टिंग करते हैं, ये पी हो गया तुम्हारा और ये तुम्हारा सेटलमेंट हो गया, ठीक है। दो कंडीशंस में हम टेस्टिंग करते हैं, एक कंडीशन ये ब्लू वाली हो गई तुम्हारी और एक कंडीशन ये रेड वाली हो गई तुम्हारी, ठीक है। ये जो रेड वाली कंडीशन होती है ये होती है सोक्ड स्पेसिमेन, ठीक है, लैब में लाते हैं हम, ठीक है, और एक बार उस स्पेसिमेन को पूरी तरीके से गीला कर लेते हैं, सोक्ड स्पेसिमेन, और एक बार हम क्या करते हैं उसको अनसोक्ड रखते हैं, अनसोक्ड स्पेसिमेन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डेल्टा हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डेल्टा के करस्पॉन्डिंग रेड वाला कर्व मान लो पी एस दिखा रहा है, ठीक है, और ये वाला कर्व मान लो पी यू एस दिखा रहा है, ठीक है। तो पी यू एस और पी एस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मेरे ख्याल से समझ रहे होगे तुम हम क्या कर रहे हैं। अनसोक्ड मतलब जो ड्राई स्पेसिमेन है, सोक्ड मतलब उसी स्पेसिमेन को मैंने पानी में गड़ा दिया और उसके बाद मैंने पी डेल्टा वाला टेस्ट कर लिया इस पर, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, पी अनसोक्ड और पी सोक्ड, ठीक है। तो जो भी मेरा नया के होगा, के प्राइम कह लेता हूँ, वो पुराना के, ठीक है, पुराना के इंटू पी एस मल्टीप्लाइड बाय पी, ठीक है, ये तुम्हारा करेक्टेड के हो जाएगा, ठीक है, करेक्टेड के आफ्टर मॉइस्चर करेक्शन, ठीक है, मॉइस्चर करेक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ें तुमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये तुम्हारा होता है करेक्शन फॉर मॉइस्चर, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो प्लेट साइज वाला करेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तुम्हारे पास एक सोक्ड स्पेसिमेन है जो कि मॉनसून सीजन से लिया गया है। ये कहने का क्या मतलब हो गया कि मैंने सोक्ड स्पेसिमेन लिया है, कहने का मतलब है तुमको मॉइस्चर करेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा स्पेसिमेन जो है वो पहले से ही सोक्ड है, यानी वो वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में है, ठीक है। तो हमें मॉइस्चर करेक्शन लगाने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो प्लेट का डाया हमने यूज़ किया है वो 30 सेंटीमीटर है, यानी कि हम स्टैंडर्ड प्लेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम स्टैंडर्ड प्लेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिटरमाइन मॉडल ऑफ सबवे रिएक्शन फॉर स्टैंडर्ड प्लेट, यानी 75 सेंटीमीटर वाली प्लेट के लिए हमें के की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम मुझे के फॉर 30 सेंटीमीटर वाली प्लेट बता दो, कितना होता है के की वैल्यू, पी डिवाइडेड बाय डेल्टा होती है क्या, और डेल्टा कितना हम लेके चलते हैं, 0.125 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होती है लोगों से, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, ये पी की यूनिट क्या थी याद करो, ठीक है, पी की जो यूनिट थी दैट इज़ के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ गलती मत करना, ये लोड जो है ये तुम्हें के जी में दिया रहेगा, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे के जी में पुट मत कर देना, ठीक है, के जी में पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तुमको यहाँ पर पुट करना होगा, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब है हमें क्या चाहिए, हमें सेटलमेंट, सेटलमेंट जब 1.25 mm होगा उस पॉइंट पर हमको पहले तो लोड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो 1.23 पे तुमको दिया हुआ है और 1.53 पे दिया है, तो यहाँ पे तुम्हें इंटरपोलेट करना पड़ेगा, और सेटलमेंट जब 1.25 mm है तो तुम्हें लोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तुम करते रहना, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1490 kg, ठीक है। अब पहले तुम्हें क्या करना है, इस 1490 kg को kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा स्मॉल पी जो तुम्हें यहाँ पे पुट करना है वो होता है तुम्हारा पी बाय एरिया, प्रेशर होता है वो बेसिकली, लोड नहीं होता, ठीक है।
तो ये हो गया 1490 kg, और यहाँ पे तुम किसका एरिया पुट करोगे, प्लेट का, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रेशर। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो K30 कितना हो जाएगा, 1490 डिवाइडेड बाय पाई 30² / 4 डिवाइडेड बाय 0.125 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो K30 तुम्हारा आ जाएगा 16.86 kg/cm³, ठीक है, यूनिट में गलती मत करना, यूनिट आनी चाहिए kg/cm³, ठीक है। अब ये तो K30 आया है हमारे पास, हमें निकालना क्या है, स्टैंडर्ड प्लेट के लिए निकालना है, कहने का मतलब है हमें K75 निकालना है, ठीक है। तो रिलेशन हमें पता है, K75 × 75 इज इक्वल टू K30 × 30, ठीक है। तो मेरे ख्याल से K75 यहाँ से कितना आ जाएगा, K30 × 30 / 75, वैल्यू पुट कर दो K30 की यहाँ से, ठीक है, कितना हो जाएगा, 16.86 × 30 / 75, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ रही है 6.75 kg/cm³, ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेट लोड टेस्ट। तो मेरे ख्याल से अब अगर कोई क्वेश्चन आता है तुमको प्लेट लोड टेस्ट पे, तो तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, जो नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास है सबग्रेड के लिए, वो कहलाता है तुम्हारा CBR टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, ठीक है। इसका जो मोटिव होता है हमारा, वो पहली बात हमको निकालना क्या चाह रहे हैं हम लोग CBR रेशियो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। ये CBR रेशियो जो होगा, ये बाद में हम डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट में हमें पैरामीटर की तरह हमारा काम करेगा, एक इनपुट पैरामीटर की तरह हमारा काम करेगा। जब हम सॉइल की स्ट्रेंथ लिखने जाएंगे, तो हमेशा हम CBR के टर्म्स में उसको नोट करेंगे। तो CBR की वैल्यू हमको चाहिए पड़ती है, ठीक है, CBR की वैल्यू हमको चाहिए पड़ती है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टेस्ट का अपैरेटस कैसा है, ठीक है। टेस्ट के अपैरेटस में बेसिकली तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसका डाया होता है 150 mm, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये ब्लू से जो मैं दिखा रहा हूँ, ब्लू से तुम्हारी सॉइल भरी होती है, ठीक है, ये ब्लू शेडेड जो है ये तुम्हारी हो जाएगी, जो भी सॉइल है जिस पे हमें रोड बनानी है उसका हम सैंपल लेके आते हैं, और यहाँ पर हम उसको कंपैक्ट करके अच्छे से भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे पास हल्की सी ओपनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, हल्की सी यहाँ पर ओपनिंग होती है, और यहाँ पर फिक्स्ड कॉलर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड कॉलर लगा होता है। फिक्स्ड कॉलर मतलब ताकि तुम्हारा सॉइल यहाँ से निकल के बाहर ना जा सके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लंजर डालते हैं, इस होल में एक प्लंजर डालते हैं, इस टाइप का प्लंजर मतलब क्या होता है, थिक नीडल होती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लंजर हम यूज़ करते हैं, उसका डाया होता है तुम्हारा 50 mm, ठीक है, 50 mm डाया का हम उस पर प्लंजर डालते हैं। इस प्लंजर के ऊपर से लोडिंग लगाई जाती है, साथ में तुम्हारे पास यहाँ पर एक डायल गेज होता है, जो प्लंजर कितना अंदर जा रहा है ये मेज़र करता है, ठीक है, ये प्लंजर कितना अंदर जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, वो मेज़र करता रहता है। तो ये तुम्हारा लोडिंग हो गया, और यहाँ तुम्हारा सेटलमेंट मेजर हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक अपैरेटस होता है, ठीक है। जो लोडिंग लगाई जाती है, वो लगाई जाती है एट ए रेट ऑफ 1.25 mm/min, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फालतू चीज़ है एकदम, बस तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। लोडिंग जो लगाई जाती है वो 1.25 mm/min से लगाई जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली हम पी मेज़र करते रहते हैं, और कंटिन्यूसली हम सेटलमेंट मेज़र करते रहते हैं, और हम एक कर्व प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, हम एक कर्व प्लॉट कर देते हैं। तुम्हारा कर्व जो होता है, वो जो भी तुम लोड यहाँ पे लगा रहे हो, और जो भी प्लंजर का सेटलमेंट हो रहा है, उसमें हम एक कर्व प्लॉट करते हैं। जो कर्व आता है वो जैसे पहले आ रहा था बिल्कुल वैसा ही आता है, इस टाइप का तुम्हारे पास कर्व आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब तुम क्या करोगे, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, अब तुम क्या करोगे, सेटलमेंट ऑफ वन पॉइंट, ठीक है, रादर सेटलमेंट ऑफ 2.5, ठीक है, mm के करस्पॉन्डिंग तुम लोड निकाल लो, मान लो P1 आ रहा है कुछ, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे कहीं 2.5 mm सेटलमेंट हो रहा होगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड होगा, उसको मैं P1 बोल ले रहा हूँ। एक तो तुम ये P1 इवेल्यूएट कर लो, ठीक है, उसके बाद 5 mm सेटलमेंट होगा कहीं ना कहीं, 5
5 mm सेटलमेंट के करस्पॉन्डिंग तुम लोड निकाल लो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करोगे, सेटलमेंट ऑफ 5 mm के करस्पॉन्डिंग तुम लोड निकाल लो, P1 और P2 तुम निकाल लो, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज डिफाइंड है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है, ऑफ लोड, ठीक है, फॉर 2.5 mm जो होती है दैट इज 1370 kg, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर 5 mm जो होता है स्टैंडर्ड वैल्यू इज 2055 kg, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। अब उसमें पूछता क्या है, देखना ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में वो पूछता है कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू किस चीज़ से निकाली गई हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कहने का मतलब है हम कौन सी ऐसी चीज़ अपने सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखेंगे जो हमको ये वैल्यूज़ प्रोड्यूस करके देगा, 2.5 mm सेटलमेंट पर 1370 kg और 5 mm सेटलमेंट पर 2055 kg। तो ये ध्यान रखना, ये तुम्हारी क्रस्ड स्टोन्स के लिए वैल्यूज़ निकाली गई थी। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं ये क्रस्ड स्टोन के लिए हैं, और क्रस्ड स्टोन को हम सॉइल से कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्रस्ड स्टोन को हम सॉइल से कंपेयर करते हैं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास P1 है और P2 है, ठीक है। तो P1 को तुम स्टैंडर्ड उससे डिवाइड कर लो और P2 को भी तुम स्टैंडर्ड वेट से डिवाइड कर लो, ठीक है। एक वैल्यू तुम ये निकाल लो, एक वैल्यू तुम ये निकाल लो, ठीक है। इन दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, वही तुम्हारी CBR वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। इन वैल्यूज में से जो भी वैल्यू तुम्हारी बड़ी होगी वही तुम्हारी CBR वैल्यू कहलाएगी, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तुम एक्सप्रेस कर देना उसको, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। पहला पॉइंट तुम ये ध्यान रखना कि नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm इज हायर, ठीक है, एंड इज टेकन एज CBR, ठीक है। कहने का मतलब है कि नॉर्मली ऐसा होगा कि ये वाली जो वैल्यू है, जो 2.5 mm की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वही बड़ी आती है, ठीक है, और उसी को हम CBR अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू अडॉप्ट करनी है, और ये बड़ी वैल्यू हमेशा नॉर्मली यही वाली आती है, ठीक है। पर ठीक है, इफ, ठीक है, वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू, ध्यान से सुनना यहाँ पे, वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 5 mm कम्स हायर, वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 5 mm कम्स हायर, गलती से अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आने लग जाए, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होता है, रिपीट द टेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिपीट द टेस्ट, ठीक है। उसका कहने का ये मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि 2.5 mm पर जो वैल्यू आती है वो बड़ी आती है, ठीक है, पर ऐसा हो सकता है कि ये वाली वैल्यू तुम्हें बड़ी आ जाए, ठीक है। जो वैल्यू बड़ी आएगी वो CBR लेनी पड़ेगी, पर अगर 5 mm वाली बड़ी आती है तो पहले हम टेस्ट को रिपीट करते हैं, ठीक है। इफ़ ऑन रिपीटिंग टेस्ट स्टिल वैल्यू फॉर 5 mm, ठीक है, इज हायर, ठीक है, देन वी अडॉप्ट इट एज CBR, ठीक है, देन वी अडॉप्ट इट एज CBR। कहने का मतलब है कि रीटेस्टिंग के बिना हम 5 mm वाली वैल्यू को CBR अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बात को समझ गए होगे, मैं सम अप कर देता हूँ एक बार। करना तुमको क्या है, तुम्हें इस तरीके की वैल्यूज दी होंगी, कर्व दिया होगा, ठीक है, पी डेल्टा कर्व तुमको दिया होगा। तुम क्या करोगे, 2.5 mm और 5 mm के करस्पॉन्डिंग लोड्स निकाल लोगे, P1 और P2, ठीक है। उसके बाद उनको स्टैंडर्ड लोड से डिवाइड कर लोगे 1370 या फिर 2055, ठीक है। इन दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, CBR। बस इतना तुमको याद रखना है, ठीक है, इतना तुमको याद रखना है, ठीक है। बाकी जो डिटेल्ड पॉइंट्स हैं वो मैंने ऊपर समझा दिए। चलो, तो मान लो तुमको इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला डेटा तुम्हें दिया हुआ है वो ये है कि 100 डिवीजन्स ऑफ लोड इज इक्वल टू 190 kg। इसका क्या मतलब है कि मान लो ये तुम्हारा प्लंजर है, ठीक है, और ये तुम्हारा वो सिलेंडर है जिसके अंदर सॉइल रखी हुई है, ठीक है। तो जो हम लोड लगाते हैं, लोड लगाने के लिए यहाँ पर एक डायल गेज होता है लोड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मान लो ये
ये जो सुई है ठीक है, ये 100 डिवीजन्स दिखा रही होगी, मतलब तुमने 190 केजी लोड लगा दिया। 200 डिवीजन्स दिखा रही होगी, मतलब 380 केजी लोड लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला डेटा देने का ये मतलब है कि आप इन डिवीजन्स को लोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसने पेनिट्रेशन दे रखा है और लोड की रीडिंग दे रखी है डिवीजन्स के टर्म्स में, केजी में नहीं दे रखी है, डिवीजन के टर्म्स में दे रखी है। इन डिवीजन्स को तुमको क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये वाला डेटा यूज़ करके। ठीक है, अब तुम्हें CBR वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बड़ा आसान है मेरे ख्याल से। क्या करोगे, पहले तो 2.5 mm पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग कितना लोड है ये निकाल लो। तो ये रहा तुम्हारा 2.5, 2.5 के करस्पॉन्डिंग कितना है, 34, 34 केजी नहीं है, 34 डिवीजन्स है। ठीक है, उसने हमें डेटा में क्या दिया है, उसने हमें डेटा में दिया है कि 100 डिवीजन बराबर है 190 केजी के। ठीक है, तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो गया, 1.9 केजी के। ठीक है, तो 34 डिवीजन्स कितने के बराबर हो जाएगा, 1.9 × 34 इतना केजी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो 2.5 mm पेनिट्रेशन 34 डिवीजन्स के बराबर है और 34 डिवीजन्स इतने केजी के बराबर है, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 64.6 kg। ठीक है, सिमिलर अप्रोच पे जाओगे तो 5 mm करस्पॉन्डिंग है किसके, ये रहा तुम्हारा 5 mm, ये करस्पॉन्ड कर रहा है 48 डिवीजन्स को, 48 डिवीजन्स। एक डिवीजन 1.9 kg के बराबर है, 1.9 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, तो 48 kg की करस्पॉन्डिंग आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, 91.2, ठीक है, 91.2 kg। ठीक है, तो ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा P2 हो गया। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करोगे, P1/1370 कितना आ जाएगा, 64.6/1370। परसेंटेज में एक्सप्रेस करता हूँ उसको, ठीक है, तो मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इनटू 100 भी कर लिया मैंने इससे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4.7%। ठीक है, दूसरा P2/2055 ये कितना आ जाएगा, 91.2/2055 × 100, ये आ रहा है 4.4%। ठीक है, दोनों में से बड़ी वैल्यू को हम CBR वैल्यू अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमारा CBR कितना हो जाएगा, CBR बराबर हो जाएगा 4.7%। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बड़ा सिंपल है, डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारी CBR वैल्यू कितनी आ गई, 4.7%। ठीक है, एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हम अभी क्या कर रहे थे, हम P1 को 1370 से डिवाइड कर रहे थे, P2 को 2055 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, कई बार क्या होता है, P1 और P2 केजी में देने की बजाय केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए हुए रहते हैं। ठीक है, P1 P2 केजी में नहीं दिए होंगे हमेशा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी वो तुमको दे सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारा P1 P2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो तुम्हारे ये जो स्टैंडर्ड लोड हैं ये भी बदल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू केजी में है। ठीक है, अब तुम्हारा अगर P1 P2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो तुमको ये स्टैंडर्ड लोड भी किस में पुट करना पड़ेगा, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो स्टैंडर्ड लोड जो होते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, उनकी वैल्यू होती है तुम्हारी 70 और 105। ठीक है, 70 और 105। ठीक है, तो अगर P1 P2 तुम्हें केजी पर सेंटीमीटर में स्क्वायर में दिया हो, तो तुम CBR ऐसे निकालोगे, अगर केजी में दिया हो तो तुम ऐसे निकालोगे। ठीक है, यूनिट्स की बात है खाली, तुम अगर चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें प्लंजर का डाया पता था, प्लंजर का डाया कितना था, 5 सेंटीमीटर था, उसको यूज़ करके तुम कन्वर्ट कर सकते हो इसको 1370 को 70 में। ठीक है, पर तुम डायरेक्टली याद रखना कि अगर तुम्हारा P1 P2 केजी में है, तो स्टैंडर्ड वेट्स तुम्हारे 1370 और 2055 हैं, और P1 P2 अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो तुम्हारा 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 105 kg पर 70 स्क्वायर है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर CBR टेस्ट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ एग्रीगेट्स।